हेलो हाय गाइज, मेरा नाम है राजू पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे बाइनरी एडिशन, सबस्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन। बाइनरी का हम सभी बताएंगे आपको। हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बता रखा है, सबस्ट्रैक्शन नहीं कन्वर्जन और अर्जन, मतलब सभी का एक दूसरे का कन्वर्जन बता रखा। हम यहाँ पर बताएंगे एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, सबस्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो इस प्रकार से हम आ जाते हैं अपने क्या है बाइनरी एडिशन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाइनरी एडिशन तो क्या है, कि द रूल ऑफ बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के कुछ रूल हैं, जिसमें से आप सब इसे मतलब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम बाइनरी में, हमने आपको पीछे बाइनरी का इंट्रोडक्शन भी बताया, उसमें कन्वर्जन भी इधर उधर बाइनरी का कैसे डेसीमल, डेसीमल से बाइनरी, इन सभी का, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से क्या है, 00 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है क्या, 0 बाइनरी में। उसके बाद 0 और 1 को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 1 को ऐड करने पर 1 हो जाता है, और 1 और 0 को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, तब भी 1 हो जाता है, लेकिन अगर हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से इतना हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये आप यहाँ पर देखिए, अगर ये बाइनरी डिजिट है, ये दोनों क्या है, बाइनरी डिजिट है, और ये भी क्या है, बाइनरी डिजिट है, तो ये इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल 2 होगा। कितने का, इस बाइनरी डिजिट का डेसिमल क्या होगा, 2 होगा। और ये जो बाइनरी डिजिट 1 लिखा है, इसका डेसिमल कितना होगा, 1 होगा। इसका डेसिमल कितना होगा, 1 होगा। अब इस प्रकार से आप डेसिमल में देखिए जोड़ के, कि जब इस 1 और इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, डेसिमल 2 के बराबर होगा ना। तो इसी प्रकार से बाइनरी में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें कोई कठिन नहीं है, मतलब जो इसका ऐड करना। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर डेसिमल में करके आप दे सकते हैं। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें आपको दिखाएंगे एक उदाहरण लेकर। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको ऐड करके दिखाएंगे इसमें। ये हमारा उदाहरण 1010। फिर क्या करेंगे, हम फिर ले लेंगे 1011। क्या करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। ये बाइनरी लिखा है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे, तो हमने बताया था 0 और 1 को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 आता है, यहाँ हमने 1 लिख दिया। फिर जब हमने 1 1 को ऐड किया तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये 0 10 लिखा है ना, तो वहाँ पर जो 0 होगा वो यहाँ लिखेंगे, और जो 1 होगा वो क्या हो जाता है, वो कैरी हो जाता है। कैरी मतलब आप सब हिंदी में समझिए, हासिल। जैसे हमने डेसिमल में जब जोड़ देते हैं हम सब, तो उसमें हासिल बचता है, तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, कैरी होगा। कैरी मतलब हासिल। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो कैरी होगा, हम यहाँ कैरी बचेगा, तो ये कैरी मतलब हासिल, कैरी को हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ ऊपर लिख के इसी में ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा। फिर अगर ये टोटल 1 हो गया, तो फिर यहाँ 1 और 0 क्या हो जाएगा, इतने के स्थान पे अगर 1 हो गया, तो इसके मतलब हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तब यहाँ अगर टोटल 1 हो गया, तो यहाँ नीचे 0 मतलब 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अगर हम हासिल तो बचता है, लेकिन हासिल क्या करेंगे, अब जब आगे ऐड करने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर हासिल भी लिख देंगे। क्या ये आ गया, अब इसे हम डेसिमल में करके जोड़ सकते हैं। एक बार देखिए डेसिमल में क्या होगा, इसका इसका डेसिमल में होगा 10। ये डेसिमल में किसके बराबर है, 10 के। और ये क्या है, ये किसके बराबर है, 11 के। ये डेसिमल में किसके बराबर, 11 के। ये जोड़ने में कितना आ जाएगा, 10 और 11 21। और ये देखिए किसके बराबर है, ये भी क्या है, 21 का ही है बाइनरी, क्योंकि आप भाग देकर यहाँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। हासिल को कहाँ लिखना है हमें, यहाँ, तो नहीं, शेष को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर, सॉरी, शेष, और भागफल को नीचे। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो क्या होगा, फिर शेष कितना बचा, 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, शेष बचा 1। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, सॉरी गाइस, 1 बार जाएगा। तो यहाँ शेष बचा 0। अब फिर क्या करेंगे, अभी भागफल हमारा जो आ रहा है वो 0 नहीं हुआ, भागफल अब क्या होगा, अब 0 हो गया, अब शेष यहाँ बचा 1। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया, 1 0, क्योंकि नीचे से लिखते हैं ना, तो 1 0 1 0 1, तो क्या हो गया, 1 0 1 0 1। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया,
21 का एडिशन हमने कर दिया, मतलब 10 और 11 का किया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाइनरी एडिशन समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी